हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तनवीर और आप देख रहे हैं नर्डी सैम। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप विंडोज 11 में राउंडेड टास्क बार को इनेबल कर सकते हैं। विंडोज 11 में राउंडेड टास्क बार को इनेबल करने के लिए आपको एक छोटा सा ऐप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा। सो वी आर गोइंग टू यूज़ द राउंडेड टीवी ऐप। इट इज़ अ वेरी सिंपल एंड मिनिमलिस्टिक ऐप दैट यू कैन यूज़ टू इनेबल द राउंडेड कॉर्नर टास्क बार इफेक्ट इन विंडोज 11। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको टेक से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी इनेबल कर लीजिए। नाउ लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। ओके, तो अब हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप विंडोज 11 में राउंडेड टास्क बार को कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक छोटा सा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा अपने कंप्यूटर में। तो चलिए हम अपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को ओपन कर लेते हैं और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे आपको सर्च बार में जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है राउंडेड टीवी। तो ये लिख के आपको इंटर कर देना है। और यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा बटन दिख रहा होगा गेट का, तो आप यहाँ पे सिंपली इस बटन पे क्लिक कर दीजिए जिससे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके इंस्टॉल होने के बाद। काफ़ी छोटा सा एप्लीकेशन है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको थोड़ा वेट करना होगा। ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट। तो आपको इस छोटे से ओपन बटन को क्लिक करके ओपन कर लेना है। तो कुछ इस तरह का आपके पास एक मैसेज इसका आएगा, तो आप इसे ओके करके क्लोज कर दें। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस है इस एप्लीकेशन का, यहाँ से आप मार्जिन, कॉर्नर, रेडियस वगैरह सेट कर सकते हैं। तो मैं आपको एडवांस में जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप मार्जिन सेट कर सकते हैं और यहाँ पे आप कॉर्नर रेडियस को भी घटा बढ़ा सकते हैं। तो आप यहां से अपने टास्क बार के कॉर्नर को राउंडेड शेप में ला सकते हैं। और यहां पे एक ऑप्शन है डायनेमिक मोड का, तो इसे आपको चेक मार्क करके अप्लाई करना है। तो कुछ इस तरह का आपको टास्क बार ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहां पे हमारी सिस्टम ट्रे शो नहीं हो रही, तो यहां पे आपको सिंपली यहां पे चेक मार्क करके इसे अप्लाई करना है जिससे हमारी सिस्टम ट्रे शो होने लगेगी। तो यहां पे आप अपनी मार्जिन को सेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप टास्क बार में इफ़ेक्ट देख सकते हैं। तो इस तरह की कुछ मार्जिन आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जैसी आपको करनी है। और यहाँ पे आप टास्क बार के कॉर्नर को भी घटा बढ़ा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस पे कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट आ रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन है ट्रांसलूसेंट टीवी। तो इसके
अभी विंडोज़ 11 के जो अभी रिसेंट अपडेट्स आए हैं उसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा है, तो फ्यूचर में ये भी फिक्स हो जाएगा। तो इसके थ्रू आप अपने टास्क बार को ट्रांसपेरेंट भी बना सकते हैं, जिसके लिए मैंने एक अलग से एक वीडियो बनाया, तो ऊपर मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, जिससे आप अपने टास्क बार को ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर ये सेटिंग डिसेबल करनी है तो आपको अनमार्क करके अप्लाई कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना, तो यहाँ पे आप सीधा सा अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।